ग्वालियर में देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एवं अस्पताल का भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। आपको बता दें कि यह एक ऐसा संस्थान है जिसने महिला सशक्तिकरण को लेकर भी एक बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि इस संस्थान का संचालन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही किया जाएगा। ग्वालियर के रण में मामा और महाराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी की शिरकत। अस्पताल का सीएम शिवराज ने किया भूमि पूजन। महिलाएं ही संचालित करेगी देवराज अस्पताल। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 ग्राम खुरैरी बड़ा गांव क्षेत्र में देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उम्मीद जताई है कि यह इंस्टीट्यूट केवल धन कमाने का माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि परोपकार की भावना के साथ ग्वालियर चंबल संभाग सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा भी मुहैया करवाएगा। सीएम ने हॉस्पिटल के संस्थापक करण सिंह किरार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपने पुत्र स्वर्गीय देवराज की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए अस्पताल खोलकर जनसेवा का बहुत बड़ा संकल्प लिया है। आज ग्वालियर संभाग में एक नया इतिहास रचा जा रहा है, ये देवराज जो मेडिकल कॉलेज है उसके नाम पर। यहाँ लोगों को इलाज मिलेगा और आयुष्मान जैसी भारत जैसी योजना भी, एक तो देवराज जी की स्मृति में गरीबों को इलाज की सुविधा मिले और दूसरे मैं भी आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना है। हमारा संकल्प है कोई गरीब धन के अभाव में बिना इलाज के नहीं रहेगा, और इसलिए गरीबों का जिनका आयुष्मान भारत में नाम है योजना में, उनका एक साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार निशुल्क करवाएगी, प्राइवेट अस्पताल में भी निशुल्क करवाएगी, सरकार उस व्यय को वहन करने का काम करेगी। वहीं संस्थान को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जीवन दाता के रूप में काम करेगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शायद यह पहला मेडिकल संस्थान है जिसका संचालन महिला सशक्तिकरण के लिए किया जाएगा, जो कि एक मिसाल है। हमारे देवराज जी की स्मृति में देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना आज इस जगह पर की जा रही है। मेरे भाई और बहनों, स्वास्थ्य का क्षेत्र मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि जिंदगी में 3 देवता होते हैं। पहला देवता होता है जीवनदाता, डॉक्टर के रूप में। दूसरा देवता होता है ज्ञानदाता, आपके और हमारे शिक्षक के रूप में। और तीसरा देवता होता है हमारा अन्नदाता, जो भारत का अन्नदाता आज के सदी में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नरेंद्र सिंह जी के सहायता से आज देश का पेट नहीं भर रहा लेकिन पूरे विश्व का पेट भर रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी मंच से संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों का कंधे से कंधा मिलाकर चलना बेहद जरूरी है, जिस काम में यह संस्थान काफी बड़े आयाम तय करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत शानदार काम हुआ है। मुझे ध्यान है मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधा मध्य प्रदेश में 100-200 करोड़ रुपया लगाकर जोड़ना यह बड़ा कठिन काम हो गया था। एक लंबे कालखंड तक रीवा, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर 4-5 मेडिकल कॉलेज ही हुआ करते थे, लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान जी मंत्री बने तो उन्होंने नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बुंदेलखंड के अंदर सागर में लंबे अंतराल के बाद एक मेडिकल कॉलेज आरंभ करने की कोशिश की थी और वो मेडिकल कॉलेज बन गया। बुंदेलखंड की आबादी को सुविधा मिल रही है और उसके बाद अनेक रतलाम से लेकर अनेक स्थानों पर राज्य सरकार ने और निजी क्षेत्र के लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाए। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी
किरार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष साधना सिंह के साथ ही अंचल के आधा दर्जन से अधिक मंत्री, डीआईएमएस की चेयरमैन शेरवती सिंह किरार, सचिव डॉक्टर सलोनी सिंह धाकड़, कोषाध्यक्ष साक्षी किरार भी मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, ग्वालियर।